हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सब लोग ठीक होंगे। तो चलिए, नेहा दीदी के चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं खेत्र। यहाँ पे जो है पत्ता गोभी, जैसे कि बांधा गोभी एक बार लगाए थे तो बहुत पहले लगाए थे, लेकिन ये जो है हम लगाने आ रहे हैं गोभी, फूल गोभी होता है ना वो। उसके बाद फूल गोभी लगाने के बाद जो है, जो मतलब पहले जो एक बार बांधा गोभी लगा चुके हैं उसको दिखाएंगे। अभी सबसे पहले जो है ये हम यहाँ पे फूल गोभी लगाने हैं। और देखो उस साइड पानी पटा हुआ जो दिख रहा है वो ना दिख रहा है, उसमें जो है क्या है पालक, और उसके किनारे किनारे पूरा जो है मेढ़ा बनाते हैं ना घर टाइप पर, उसमें जो है मूली लगा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं कि एक मेढ़ा भी खाली आपको नहीं मिलेगा। शलजम लगाए थे, शलजम नहीं हुआ तो उसको फोड़ दिए, मीठा बना के ही किए थे वो तो। और उसके बाद जब पत्ता गोभी को बांधा गोभी कहते हैं को कोड़ दिए। ये देखिए, ये फूल गोभी लगाने हैं यहाँ पे। तो जो है निकाल करके मतलब सो करके बीड़ा में जो है एक बीड़ा बनाते हैं हम करने के लिए, धान का करते हैं उसी तरीके से। ये भी जैस का बीज जो है वो आता है, उसके बाद जो है खादा पुदा एक जगह ही जान जाता है, बीड़ा बनाते हैं वहाँ से निकाल करके पानी पटा के निकाली और उखाड़ के एक अत को वो भी लगा दीजिए। तो देखिए बच्चे हैं, अंशिका नहीं है, सोनू और अभी हम वहीं पे थे, लेकिन अब हम जो इधर आए थे दुकान पर। और दूर में लगा चुके हैं वो हम आप लोग को दिखा देते हैं। और ये सब जो दिख रहा है ना मेढ़ा बना है पूरा घर टाइप पर, इसमें सारे में जो है फूल गोभी लगाना है। तो अभी तो जो मतलब देखिए पिताजी का मतलब करते जा रहे थे, और उसके बाद जो है पानी वानी पटा है, एक लाने पाँच है, हम देख सकते हैं अच्छे से, एक दो तीन चार, इधर भी पाँच जो भी लुका जा रहा है हाली हाली। तो चलिए बच्चे लोग को तो ट्यूशन जाना बहुत जरूरी है, भी आवाज दे रहे हैं उन लोग को, उन लोग आ ही नहीं रहा है ट्यूशन जाना। हम लोग सोच रहे कि मम्मी लोग लगा रहे थे, हमें ट्यूशन जाना नहीं पड़ा, बहुत बदमाश है इन लोग। तो चलिए बच्चे लोग ट्यूशन चले गए और शाम हो चुका है, तो चलिए हम भी जो अभी घर चलते हैं और घर जाएंगे, क्योंकि अभी बहुत सारा काम है कि थोड़ा सा बच गया था आलू लगाने के लिए, वो भी लगाने जाना है और घास भी जो है लेने जाना है। घास काट कर रखा हुआ है, क्योंकि हम जब लगाने आए थे उसमें घास वगैरह जो है काट ले लिए थे, क्योंकि उसमें पिताजी नहीं आते। ये देखिए बीड़ा है, पिताजी भी निकाल रहे हैं उसमें के, और अभी हम लोग जो है घास लेने जाना है। तो अभी हम चलते हैं वहाँ पे, और पहले आलू वगैरह जो है लगा लेंगे, जो मतलब लगा रहे हैं गोभी उसको लगा लेंगे, उसके बाद जो है लगे आलू। तो चलिए दोस्तों, ये तो पहले लगा हुआ है, जैसे कि मतलब हम लोग का दो जगह आलू लगा हुआ है, तो एक जहाँ यहाँ है पानी पट गया है और एक में जो है लगाना है। तो ये देखिए पत्ता गोभी, इसको बांधा गोभी भी कहते हैं, बांधा गोभी जो हाथ निकला है वो है। और ये देखिए टमाटर है, इधर मिर्च है, थोड़ा थोड़ा मतलब सारा चीज़ हो जाता है। तो चलिए हम घास लेने घास के खेत में आ चुके हैं, बोझा भी बांध दिए हैं काट के, अब इसको लेकर हम चलते हैं घर। उसके बाद ये आलू वगैरह लेकर के हम आएंगे खेत। तो थोड़ा सा बच गया था लगाने के लिए। तो ये देखिए अजिंक जो है आ रहा है, खुरपी लिया है छोटा सा, बाबा है, और हम लोग भी जो है आलू वगैरह लेकर खेत में आ चुके हैं। यहाँ पर माँ भी ऑलरेडी आगे से आ गया था, उसके बाद जो हम पीछे से आए हैं। इतना ही ज़्यादा करना,
दो तीन को मैं आलू कटाया था, तो हम छोटा वाला जो घर पे रह गया था, बड़ा वाला लेकर के वहाँ आ गए थे। उसके बाद हम भी लेकर के हैं आलू बैठा रहे हैं और आलू लग जाएगा। अभी जो है बहुत सी लगता है, लहसुन आलू चना सब सब बनाता है आज का। तो चलिए ये देखिए घास होगा, जैसे कि आलू का खेत है ना, बहुत मेहनत पड़ता, एक भी घास नहीं रहना चाहिए, और अगर घास रह गया तो सांप जो है पकड़ लेता है आलू में। और आलू देखिए ये राख से हम लोग इसको जो है एकदम बढ़िया से पाउडर लगा दिए हैं। आप लोग सोच रहे होंगे ना कि आलू में मतलब राख क्यों लगाया जाता है, क्योंकि पानी ज़्यादा हो तो पानी सोख देता है, सड़ने नहीं देता है आलू को। तो चलिए आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो देखने के लिए सभी लोग को धन्यवाद। तो ये देखिए हम लोग का आलू किस तरीके से लग रहा है और कैसे हम लोग करके रखे हैं। तो चलिए आप लोग को अच्छा लगा हो तो